पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में महंगाई के कारण युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। लोग शहबाज सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं और जमकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। लोगों में गुस्सा इतना है कि ऐसा लग रहा है जैसे जल्द ही पीओके पाकिस्तान के हाथों से फिसलने वाला है। कंगाल पाकिस्तान लंबे समय से दूसरों से लिए गए उधार पर पल रहा है। ऐसे में अब शहबाज शरीफ सरकार ने रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली चीजों के दाम बढ़ा दिए हैं। ऐसे में लोग बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी और ऊंचे दामों पर आटा मिलने से परेशान हैं और इसी के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। दो दिनों से चल रहा ये प्रदर्शन अब आक्रामक रुख लेता जा रहा है। सरकार ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए मुजफ्फराबाद और सभी जिलों के प्रवेश और निकास मार्गों को बंद कर दिया है। कश्मीर के कई इलाकों में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प की खबरें भी आ रही हैं। मुजफ्फराबाद, ढोडियाल, कोटली और अन्य इलाकों में पिछले दो दिनों से जनजीवन ठप है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि सरकार ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन इसके बावजूद लोग बड़ी संख्या में सामने आए हैं और घोषणा की है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं, वो विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। स्थानीय रिपोर्ट्स की माने तो ढाडियाल में पिछले दो दिनों से धरना चल रहा है। प्रोटेस्ट कर रहे लोगों में आक्रोश भरा हुआ है। हालात इतने गंभीर हैं कि दो दिन पहले पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हो गई थी। मामला इतना गर्मा गया कि जब पाकिस्तानी रेंजर्स ने भीड़ को रोकने की कोशिश की तो गुस्साई भीड़ ने पाकिस्तानी जवानों को ही पीट दिया। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी रेंजर्स की गाड़ी में भी लोगों ने तोड़फोड़ कर दी। रिपोर्ट्स की माने तो शनिवार को पुलिस पूरे दिन गोलीबारी करती रही, जिससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी द्वारा बुलाए गए मुजफ्फराबाद में शटर डाउन और हड़ताल के दौरान पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और हवा में गोलियां भी चलाई, जिसके कारण प्रदर्शनकारियों और पुलिस में झड़प हो गई। वहीं इस झड़प में एक अधिकारी की मौत होने की भी खबर है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि मीरपुर इस्लामगढ़ में हुए इस गोलीबारी के दौरान पुलिस इंस्पेक्टर अदनान कुरैशी के सीने में गोली लगने से मौत हो गई थी। इस खबर में सिता ही, ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।